जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। मॉक टेस्ट ये आपकी दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम एवरेज एंड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक। और कल की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखा, सबसे पहले आप उस क्लास को देख लीजिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए, ठीक। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, इन सब आंसर भी आप साथ में करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक बार सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे हमारे साथ और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। देखिए यह क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। देखो हमारा एक क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन है यह एवरेज से है, ठीक। कि देखो, 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है 20 है, और इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान हमको बताना है, ठीक। और देखिए SSC MTS का जो सिलेबस है मैथ्स का, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सबसे पहले अपने उस सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक। और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद ही आप इस मॉक टेस्ट को दीजिए, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वह 20 है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डिटेल में सॉल्व करना आपको आता होगा। देखो ध्यान से, कितनी संख्याएं हैं टोटल? 7। यह जो संख्या है लगातार 7 संख्या है, क्या है? विषम। जब विषम रहेगा तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कितना आ गया, 6। 6 बटे में कितना कर देंगे हम 2, बराबर कितना आ गया, 3, ठीक। अब ध्यान से आप लोग देखो क्या दिया है यहाँ पर, 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत वह कितना है, 20 है। यह इनका एवरेज दिया है, ठीक। औसत 20 है, 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। यहाँ पर देखो 7 जो बोला, 7 क्या है यहाँ पर, विषम संख्या है, ऑड है। जब ये ऑड रहेगा तो इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को माइनस करेंगे, जितना आएगा उसके बटे में कर देंगे हम 2, तो बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 3। अब देखो ध्यान से, जब इसमें से आप अगर जब 3 को माइनस करोगे होगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या, ठीक। और देखो जब इसमें से अगर आप इसमें जब आप 3 प्लस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगी क्या, बड़ी संख्या, ठीक। आया समझ? देखो यहाँ पर जब आप इसमें 3 प्लस करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 23। यही हो जाएगा इसका आंसर, बड़ी संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, 3 को माइनस, तो जब 3 आप इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 17, ठीक। यह क्या है, सबसे छोटी संख्या। अगर आपको चेक करना हो कि आप यहाँ पर 17 और 23 को जब आप ऐड करके 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर इसका एवरेज भी कितना आएगा, 20 ही आएगा, ठीक। तो यही इसका हो गया आंसर। और देखिए जिनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना हो, तो सबसे पहले हो जाकर अपना सिलेबस को कंप्लीट करो, एवरेज वाला चैप्टर आप वहाँ पर उसकी क्लासेस हैं, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, सेम इसी प्रकार से अभी क्वेश्चन देखो, वहां पर क्या था, इवन ऑड नंबर था, लेकिन यहाँ पर इवन नंबर है, ठीक। क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत वह कितना है, 12.5, ठीक। यहाँ पर देखो इनका एवरेज कितना दिया है, 12.5, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो 4 लगातार प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर देखो 4, और यह 4 क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है, सम संख्या है। जब देखो यहाँ पर देखो लगातार सम संख्या, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 4 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर जो 4 यह सम है। जब यहाँ पर यह संख्या अगर ऑड रहती, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था वहाँ पर 7 था, तो वह ऑड था, विषम था। जब विषम रहेगा तो उसमें से हम 1 माइनस करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर सम रहेगा तो यहाँ पर क्या, 2 माइनस हम करेंगे, ठीक। इसमें से तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 2, 2 बटे में फिर हम कर देंगे 2। देखो अगर यहाँ पर ऑड रहता तो 1 माइनस हम करते जितना आता, फिर उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर क्या है, इवन है, इवन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को इसमें से डायरेक्ट हम 2 को माइनस करेंगे। जब 2 को हमने माइनस किया कितना आया, 2, और 2 के बटे में हो गया 2, बराबर कितना यहाँ पर आ जाएगा, 1, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है 12.5 है, जो है 12.5 है, या 20 का एवरेज ही है ना, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब यह किसके नज़दीक है, देखो 12 और 13 के बीच में ही आएगा, 12 और 13 के बीच में ही आएगा 12.5। इसका मतलब इन दोनों के बीच का ही यह एवरेज एवरेज है। लेकिन देखो आपको क्या बताना है यहाँ पर, समझो ध्यान से, क्वेश्चन पहले देखो कि आपको यहाँ पर छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का मान आपको यहाँ पर बताना है। देखो यहाँ पर कितना आ गया, 12, और यहाँ पर आ गया 13। अब इसमें से देखो जब आप 1 को माइनस करोगे यहाँ से, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या। और जब आप यहां पर जब 1 को ऐड करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या, ठीक। देखो जब आप यहां से 1 को माइनस करोगे यहां पर कितनी आ जाएगी, 11, और जब 1 को आप यहां पर ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 14। तो यहां पर देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11 और 14, ठीक ठीक नोट करो इसे।
इसका आंसर आप लोग बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है कि आठ सोने के सिक्के का औसत भार कितना है, 20 ग्राम प्रति सिक्का है, और चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार कितना है, 35 ग्राम प्रति सिक्का है, और 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना होगा। ठीक, यहाँ पर देखो 20 सिक्कों का आपको क्या बताना है, औसत भार। देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर देखो आठ सोने के सिक्के का, देखो आठ सोने के सिक्का का जो औसत भार है वह कितना है, 20 ग्राम। कि आठ सोने का सिक्का है जिसमें से एक सिक्के का भार कितना है, 20 ग्राम है, तो यहाँ पर देखो 20 सिक्के 8 सिक्के का भार कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 ग्राम। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया, चांदी का सिक्का कितना है, 12 चांदी के सिक्के का जो औसत भार है 35 ग्राम प्रति सिक्का है। देखो 12 चांदी के सिक्के का जो औसत भार है वह कितना है, 35 ग्राम। देखो कितना है, 35 ग्राम, लेकिन यहाँ पर देखो प्रति सिक्का की 12 सिक्के के, देखो 12 चांदी के सिक्कों में प्रति सिक्का का जो भार है कितना, 35 ग्राम है, तो यहाँ पर 12 चांदी के सिक्के का भार कितना हो जाएगा, देखो 12 पच्चे कितना हो जाएगा, 60, 0 हंस लेगा 6, 12 तीन 36, 36 तीन कितना हो जाएगा, 42। ठीक, और आपको यहाँ पर क्या बताना है कि यहाँ पर 20 सिक्कों का जो औसत भार है कितना होगा, जो कि यहाँ पर कितना है 8 है, कितना है 12, तो इन दोनों को जब आप ऐड करो कितना हो जाएगा, 20, टोटल कितना हो गया सिक्का, या 20 सिक्का, यही ना, टोटल 20 सिक्का हो गया। अब देखो यहाँ पर आप इन दोनों को भी ऐड करोगे, क्योंकि दोनों को आप भार को ऐड करोगे, देखो एवरेज बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखो दोनों जो टोटल जो इन, देखो टोटल कितने 20 सिक्के, 20 सिक्कों का जब भार है इनका योग बटे में कितना, टोटल सिक्का जितना है, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनको जब आप ऐड करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर देखो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, टोटल कितना आ गया, 580, और कितने सिक्कों का पूछा है, 20 सिक्कों का 580 बटे में कितना हो जाएगा, 20, यही क्या हो जाएगा इसका एवरेज। ठीक, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 का 2, 2 2 4, और कितना हो जाएगा, 2 9 18, तो यहाँ पर देखो 29 ग्राम प्रति सिक्का, यही हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया, देखो पहली सात प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जो नेचुरल जो नंबर होता है वह कितने से स्टार्ट होता है, 1 से, देखो 1 2 3 4 5 और कितना, 7। देखो पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं का आपको क्या बताना है औसत, देखो इसको निकालने का 2 मेथड। देखो अगर आप देखो एवरेज का, जब आप टोटल लेक्चर वहां पर देखो वहां पर लगभग 3 मेथड बताया गया, ठीक, लेकिन यहाँ पर आप 2 मेथड सीख लो। ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि नेचुरल नंबर का अगर आपको सम बताना हो तो आप कैसे निकालोगे, प्रथम देखो यहाँ पर देखो अगर इनका आप सम निकालोगे, देखो टोटल n बराबर कितना हो जाएगा, 7, और देखो सम इनका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपान कितना होता है, 2, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 7n के स्थान पर 7 गुणे में 8 बटे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 4, और कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। ठीक, इनका यह क्या आ गया है, सम, और देखो एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम बटे में क्या, टोटल संख्या n, तो यहाँ पर टोटल सम इसका कितना है, 28 बटे में कितनी संख्या है, टोटल है 7, 7 चौक 28, 4 इसका हो जाएगा यह आंसर। लेकिन आप इस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक, ध्यान से देखो यहाँ पर अब सेकंड मेथड इसका, टोटल संख्या कितनी है, 7। देखो अगर आप पहले और लास्ट संख्या, देखो एवरेज बराबर यह भी होता है कि फर्स्ट और लास्ट, देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, देखो बटे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर, देखो पहली संख्या क्या यहाँ पर क्या है, 1, और लास्ट क्या है यहाँ पर, 7, इन दोनों को ऐड करके आप 2 से भाग दो, बटे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर, यहाँ पर देखो 8 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4, 4 हो जाएगा, यही इसका आंसर। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग और इसका आंसर आप लोग कमेंट करो।
ये देखो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक ट्रेन, देखो एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, तो पहले ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल का अनुपात क्या होगा। देखो दोनों ट्रेन की चाल का अनुपात आपसे पूछा है यहाँ पर, लेकिन जो पहले जो ट्रेन है इसकी जो चाल है किलोमीटर पर आवर में दिया है, और जो दूसरी जो ट्रेन है इसका जो स्पीड है वह किस में दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया। ठीक सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, जो मीटर पर सेकंड है इसको आप चेंज करोगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक इसके बाद आप इन दोनों को क्या निकाल दोगे, रेशियो निकालो आप लोग, इसका आंसर कहो। चलो साथ में भी सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक ट्रेन 100, देखो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन जो है कितना 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। सबसे पहले देखो एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लो, देखो किलोमीटर पर आवर को जब आप चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, तब आप यहाँ पर क्या करते हो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन जब यहाँ पर देखो मीटर पर सेकंड को जब आप चेंज करोगे किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तब आप यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करते हो 18/5 का। यह आपको इतना याद होना चाहिए। ठीक देखो जब इसको आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 25 गुणे में, कितना हो जाएगा 18/5, 5 से 5 यहाँ पर आ गया, 18/5 कितना हो जाएगा 90, 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर आप दोनों ट्रेन का रेशियो निकाल दो, यहाँ पर देखो दोनों ट्रेन का रेशियो कितना हो जाएगा, पहले ट्रेन की स्पीड कितनी है 108, दूसरी ट्रेन की कितनी स्पीड है 90। ठीक देखो ध्यान से यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18/5 90 और 18/6 108, 18/5 90 18/6 108, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 6:5, ये इसका हो जाएगा क्या आंसर। ठीक चलो अगला क्वेश्चन देखो, आंसर करो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। क्या दिया देखो क्वेश्चन पढ़ो कि तीनों कारों की, देखो दिया क्या कि तीनों, देखो तीनों कारों की चाल 3:4:8 के अनुपात में है। देखो 3:4:8 दिया ना, 8 के अनुपात में। देखो तीन कार है जिनकी क्या है चाल स्पीड का रेशियो दिया, देखो ठीक स्पीड का रेशियो इतना दिया है 3:4:8। ठीक के अनुपात में देखो समान दूरी तय करने के लिए, और यहाँ पर ध्यान से देखो क्या दिया, समान दूरी तय करने के लिए, इसका मतलब क्या है यहाँ पर इन दोनों के देखो दूरी यहाँ पर क्या है समान है, समान दूरी तय करने के लिए इन कारों द्वारा लिए गए समय का क्या बताना है आपको अनुपात। ध्यान से देखो जब दूरी समान हो, ठीक जब दूरी समान हो तब वहां पर क्या होता है, ध्यान समझो, जब दूरी जब समान हो तो वहां पर जो चाल होती है ठीक यह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, समय के, यहाँ पर जो चाल है यह समानुपाती होता है 1/2 में किसके, समय के। ठीक यह आपको इतना पता होना चाहिए, और यह कंडीशन कब होती है, जब दूरी जब दोनों जब यहाँ पर दूरी क्या हो समान हो। ठीक ध्यान से देखो यहाँ पर देखो क्या दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो कितना है 3:4:8 कितना दिया है 8, और आपको क्या बताना है इनके टाइम का रेशियो क्या होगा। देखो ध्यान से अब यहाँ पर देखो इसका जो रेशियो है निकालने का, देखो डबल मेथड है, पहले मेथड देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो आप पहले वाले को भूल के इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करो कितना हो जाएगा 8:6:32। ठीक रेशियो लगाओ अब दूसरे वाले के सुझाव पर आपको लिखना है यहाँ पर, तो अब 4 को भूल जाओ और देखो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, देखो 8:3:24 फिर लगाओ आप रेशियो। अब इसके बाद आप 8 को भूल जाओ, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4 3 12। ठीक इनको आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 8 32, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8:4:8, और ये जो 4 6 24 यहाँ पर आ जाएगा 6, और ये जो 4 3 12 यही हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक लेकिन यहाँ पर आप इसका देखो टाइम का रेशियो निकालने का देखो क्या मेथड है यहाँ पर अलग से, सेकंड मेथड यहाँ पर देखो इनके स्पीड का रेशियो क्या दिया है 3:4:8, तो यहाँ पर देखो क्या है जो चाल होगा 1/2 में समय के बराबर होता, तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, देखो 1/3:1 1/4:1 1/8 कितना हो जाएगा 8। ठीक अब देखो यहाँ पर
इनका जो हर है, देखो इनका हर जो है इनको हटाने के लिए आप यहाँ पर क्या करो, इन तीनों को आप यहाँ पर लो क्या एलसीएम, एलसीएम से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो इनके हर में है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 8, देखो 3 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, तो 24 से आप यहाँ पर क्या कर दो मल्टीप्लाई सब में कर दो। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 24/3 कितना हो जाएगा 3 अनुपात, ये कितना हो जाएगा 24/3 कितना हो जाएगा 4 अनुपात, 24/3 कितना हो जाएगा 8। अब देखो इनको आप सॉल्व करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 8 3 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 6 24, और यहाँ पर 8 3 24। ठीक है, इसका हो गया आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन दिया है क्या कि 150 मीटर लंबी ट्रेन एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की यहाँ पर चाल बताना है। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया, नहर। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लो एक बार। यहाँ पर देखो यह क्या है, ट्रेन। ठीक, और यहाँ से देखो यहाँ तक कि क्या है, यह नहर। देखो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक कि क्या है, नहर। ध्यान से देखो, अगर जब यहाँ पर देखो जब यह ट्रेन जब चलना जब शुरू करेगी, या जो ट्रेन है जब यहाँ पर देखो चलना शुरू करेगी, तो यह तो देखो नहर है। देखो जब यहाँ से यह चलना शुरू करेगी, जब ट्रेन, देखो ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जब अगर यहाँ पर जब पहुँचे, क्या यह पूरा पूरा इसको पार कर चुकी है, ध्यान समझो। जब यह ट्रेन यहाँ से देखो चलना शुरू की है यहाँ से, तो जब ट्रेन जब यहाँ पर पहुँची है, ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इसका सामने वाला हिस्सा, यहाँ पर जब पहुँचा, क्या पूरा पार कर चुकी है, अभी नहीं पार की है। तो यहाँ पर देखो जब इसका एंडिंग पॉइंट, जब यहाँ पर देखो इससे अब आगे चला जाएगा कि यहाँ पर देखो, अब देखो ट्रेन यहाँ से चलते 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 जब यहाँ पर जिसका जो लास्ट जो एंडिंग पॉइंट है, या जब यहाँ पर देखो आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो ट्रेन है इसको पार जब कर चुकी है। तो यहाँ पर देखो यह कितनी दूरी को तय की है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो टोटल, देखो यहाँ से नहर की दूरी और यहाँ पर देखो ट्रेन की दूरी, इन दोनों के बराबर की दूरी इसने तय करने के बाद ही ना इसको इसने पार किया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो डिस्टेंस बराबर, ध्यान से देखो ट्रेन के, देखो ट्रेन की लंबाई कितनी दिया है 150 मीटर प्लस, और देखो यहाँ पर नहर की चौड़ाई कितना दिया है 102 मीटर। ठीक, इन दोनों को आप ऐड करो कितना यहाँ पर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, देखो ये जो ट्रेन है टोटल डिस्टेंस कितना तय करेगी, यहाँ पर देखो ट्रेन की लंबाई प्लस किसकी हो जाएगी, नहर की लंबाई। ठीक, यहाँ पर देखो इन दोनों को आप ऐड करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 252 मीटर। ठीक, अब देखो आगे देखो क्या दिया है कि जो कि 150 मीटर लंबी ट्रेन एक न, देखो एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर देखो आपको टाइम भी दिया कितना, 7 सेकंड, और आपको यहाँ पर क्या बताना है, ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है। ध्यान से देखो स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन क्या होता है, टाइम। तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 252 बटे में कितना हो जाएगा 7, बराबर देखो 7 7 7 7 3 21। ठीक, कितना बचा है यहाँ पर 4, और कितना हो जाएगा 7 6 42, देखो 36 मीटर पर सेकंड, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, लगाओ इस क्वेश्चन को। यस, देखो यह क्वेश्चन भी इसी पर सेम बेस्ड है। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि, देखो यदि 240 मीटर लंबी ट्रेन, देखो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है 240 मीटर लंबी, और देखो आगे कि वह 28 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर देती है। देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, और कितने सेकंड में पार करती है, 28 सेकंड में। ठीक, और देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है, ट्रेन की चाल आपको बतानी है, स्पीड आपको यहाँ पर क्या है बताना है। ध्यान से देखो स्पीड, इन दोनों को आप ऐड करोगे, क्योंकि देखो कभी भी आपको प्लेटफॉर्म दिखे, ठीक, कोई टर्नल दिखे, या फिर कोई ब्रिज दिखे, या फिर आपको जैसे नहर की देखो नहर दिखे, नदी दिखे, कुछ भी इस प्रकार से दिखे, तो वहां पर क्या होता है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता है तो ट्रेन की लंबाई और वहां पर प्लेटफॉर्म, टर्नल, या फिर नदी, या फिर ब्रिज कोई हो, तो इन, इन उनकी जो देखो लंबाई होती है, उनको आप क्या कर देते हो, ऐड। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको क्या डिस्टेंस, कितनी दूरी इसने तय की है। इन दोनों को आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 2 2 4 4 490 मीटर। ठीक, देखो स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस
बट इनमें टोटल टाइम कितना सेकंड लगा इनको, 28 सेकंड। लेकिन यहाँ पर देखो आपको जो इसकी स्पीड है इसको बताना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर देखो यह क्या है, मीटर, और यहाँ पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में यह आपको स्पीड यहाँ पर पता चल गई। लेकिन इसको आपको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 18/5 से आप यहाँ पर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखो यह क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर, इसको आप कर दो सॉल्व। देखो यहाँ से यहाँ पर कितना हो जाए, 14 दुनी 28, 9 दुनी 18। ठीक, 200, देखो कितना हो जाएगा, 7 दुनी 14। ठीक, देखो 7 दुनी 14 और 7 सत्ते 49, यहाँ पर कितना आ गया, 70। अब देखो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा, 5 दुनी 10, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल, कितना आ जाएगा, देखो 9 सत्ते 63, 63 किलोमीटर क्या हो गया पर आवर, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि ए और बी, देखो ए और बी किसी, देखो ए और बी की चाल का अनुपात कितना है, 2:5। देखो यहाँ पर इनके स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो कितना है, 2:5। ठीक, क्या दिया, देखो कि ए और बी के चाल का रेशियो कितना है, ए देखो 2:5 है किसी निश्चित दूरी को तय करने के। देखो किसी निश्चित दूरी को तय करने में यदि ए को बी से 15 मिनट, देखो 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो बी, देखो तो बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखो यहाँ पर भी क्या बोला, समान दूरी, इसका मतलब क्या, दोनों की जो ए और बी जो है, जो दूरी जो तय करनी है, दूरी जो क्या है, समान है। अभी अभी देखो आपको क्या बताया गया कि अगर देखो दूरी अगर समान हो, देखो अगर समान दूरी हो तो वहां पर जो देखो चाल होती है, चाल समानुपाती होता है 1/2 किसके, समय की, कि यह जो चाल होती है समय का क्या होता है, उल्टा, और जो समय है चाल का क्या होता है, उल्टा। देखो तो यहाँ पर देखो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम इसका उल्टा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5:5 कितना हो जाएगा, 2, सेम यही ना होगा, 5:2। अब देखो आगे देखो क्या क्वेश्चन में दिया था कि यदि, देखो यदि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक, यहाँ पर देखो यह था ए और यह था बी, यदि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है, देखो इन दोनों के देखो डिफरेंस लो आप, कितना आ जाएगा, 3। देखो यहाँ पर देखो जो ए है, ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है, देखो यहाँ पर देखो ए को कितना समय अधिक लगा, 3 यूनिट, यही ना, 3 यूनिट जो बराबर है, 3 यूनिट बराबर है किसके, 15 मिनट के। क्वेश्चन में यह दिया कि 15 मिनट अधिक समय लगता है, यही ना। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ो कि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो वहां पर देखो क्या बताना है आपको कि बी को समान दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखो बी को कितना समय लग रहा है, यहाँ पर 2 यूनिट, तो यहाँ पर देखो 2 यूनिट यह बराबर हो जाएगा किसके, 15/ कितना यह हो जाएगा, 3, यह हो गया 1 यूनिट का मान। यहाँ पर देखो गुणे में कितना हो जाएगा, 2, तो बराबर देखो कितना हो जाएगा, 3×3, 3×5 15, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, कितना लगेगा टोटल टाइम इसको, 10 मिनट। ठीक, यही हो जाएगा आंसर। चलो अब यह अगला क्वेश्चन देखो। देखो यह क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। देखो यहाँ पर देखो इनके स्पीड, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने के बजाय यह 15। तो यहाँ पर देखो अगर आप इनका देखो रेशियो निकालना चाहो, देखो यहाँ पर ध्यान से यह कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और यह कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। ठीक, इनके देखो स्पीड का जो रेशियो आएगा कितना, 2:3। ठीक, और देखो आगे क्या बोला क्वेश्चन में, एक बार और पढ़ो क्वेश्चन को। देखो कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उतने ही समय में 30 किलोमीटर की दूरी, देखो 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी। ठीक, कि उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी। लेकिन देखो यहाँ पर क्या बोला है आपसे, एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करो कि उतने ही समय में, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर देखो कि समय जो है यहाँ पर बराबर है। देखो अगर देखो जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पर क्या था, दूरी बराबर थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो समय है यह बराबर है, समय,
समान समय, यही ना बोला है, उसी समय में, यानी कि क्या दोनों का जो समय वह बराबर है, जब समय जब बराबर रहेगा तो देखो यहाँ पर जो चाल है यह समानुपाती होगा किसके, दूरी के। अगर आपको यह डिटेल में जानना हो तो आप यहाँ पर जो आपको क्लास लिया, अगर आपको यह डिटेल में समझना हो तो आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की जो क्लास हुई है उसको आप जाके देख लीजिए, ठीक। यहाँ पर देखो इसी को आप देखो, यहाँ पर स्पीड का देखो रेशियो मिल गया, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस का भी रेशियो आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 2:3। यह भी डिस्टेंस का रेशियो भी सेम यही होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि देखो उतने ही समय में 30 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है, ठीक। देखो यहाँ पर उतने ही समय में, यहाँ पर देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, एक तो ये एक बराबर कितने के है 30 किलोमीटर के। और देखो आपको यहाँ पर बताना क्या है, लास्ट में पढ़ो कि तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, देखो वास्तविक दूरी यहाँ पर कितनी थी, वास्तविक दूरी थी कितनी, 2, ठीक, 2 यूनिट। लेकिन देखो वास्तविक दूरी थी 2 यूनिट, लेकिन इसने तय कितना कर दिया यहाँ पर, 3 यूनिट, ठीक। तो यहाँ पर कितना देखो डिफरेंस आ गया, एक और एक बराबर किसने कितने के, 3 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के। यहाँ पर वास्तविक कितनी है, 2, तो यहाँ पर 2 बराबर कितने का हो जाएगा, 30 गुणे में 2 बराबर कितना आ जाएगा, देखो 60 किलोमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए आज की क्लास को बस हम इतना रखते हैं, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।